हरे कृष्णा एवरीवन, आप सबका स्वागत है वेडनेसडे क्लास में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज योर रियल नेचर, आपका असली नेचर क्या है, और बेसिकली क्या नेचर के अगेंस्ट जाना, आपके नेचर के। ऑफ कोर्स जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, आप यूनिवर्सल नेचर का भी देख लीजिए, तो क्या महामारी आ गई, कोरोना जैसी महामारी आ गई। तो जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाते हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे कितना प्लास्टिक हो, कितना एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और ये सारी चीजें करते हैं, चाहे आप इस नेचर के अगेंस्ट जाओ तो भी प्रॉब्लम्स में रहते हो। और जो आपका एक्चुअल नेचर है, व्हाट इज योर एक्चुअल नेचर, जब आप उसके भी अगेंस्ट जाते हो तो भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और वो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो क्या चीज है, वो आज हमें बताएगा भागवत गीता का चैप्टर 5। तो आपको बेसिकली ये बताएगा कि व्हाट इज योर बेसिक नेचर, उसके अगेंस्ट नहीं जाना और उसके अंदर ही रह के कार्य करने में कितना हम पॉजिटिव रह सकते हैं, कितना हम अपने बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो बेसिकली जो आज का जो हम ये भागवत गीता पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हम इस नजरिए से पढ़ रहे हैं कि हम इस जगत में भी रहें, बीमारियों से भी बच के रहें, इस जगत में अच्छे से रहें, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानते हुए यहाँ हम अच्छे से रहें, और सेकेंडली हम लंबी रेस के घोड़े बन पाए। ऐसे क्या शॉर्टकट्स हैं जो शास्त्रों में भगवान ने हमारे को दिए हुए हैं, जिससे हम ये सारी चीजें फॉलो करके आगे भी अपना परलोक भी सुधार लें। कमिंग टू द भागवत गीता श्लोक नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 जो है, गुरुन हत्वा हि मनोभावा श्रेयो भोक्तम भिक्ष्यम अभी लोके इत्वर्था कामस्तु गुरुम इहवे भुंजये भोगम रुद्र प्रगाढ़। इसका अर्थ है, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। ठीक है, सबसे पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। ओम अज्ञान्ति मिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदन्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत्य गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कमिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा है कि अब जो है, पहले हमने चैप्टर 1 के एंड में देखा, अर्जुन ने जो है अपने सारे हथियार डाल दिए और कहा कि कृष्ण मेरे से अब लड़ाई नहीं होगी। और सेकंड चैप्टर में भगवान जो है वो बोलना शुरू कर रहे हैं, और वो उन्होंने अर्जुन को कह रहा कि अरे ये तुम्हारे अंदर ऐसी नपुंसकता कैसे आ गई अर्जुन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। और अर्जुन को वो चीज जो है ना शूल की तरह चुभ गई, क्योंकि वो एक साल जो था यूनेंच बना रहा था, एक साल वो नपुंसक इंपोर्टेंट बना रहा था जब उसे उर्वशी जी का श्राप मिला था। तो ऐसी वो शूल की तरह चुभ गई कि अब अर्जुन जो है फ्रंट फुट पे आके जो बैटिंग कर रहे हैं और भगवान की जो गुगली है उसको खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो परंतु क्या हो रहा है यहाँ पे, अर्जुन ये कह रहे हैं, अच्छा कृष्ण आप बताओ कि गुरुजनों को मारा आपने भी, तो आप शत्रु को हंता हो ना। पिछले श्लोक में हमने यही कहा, अर्जुन बहुत सटीक सटीक शब्द ले रहे हैं ताकि वो कृष्ण तक अपना मैसेज हर प्रकार से पहुंचा सके। तो अर्जुन पिछले उसमें कहते हैं कि मैंने तुम्हारे को क्या कहते हैं, तुम तो मधु के मधुसूदन हो ना, मधु दैत्य को मारा तुमने, तुमने संदकुनी मुनि को तो नहीं मारा, वो जो तुम्हारे गुरुजन थे उनको तो नहीं तुमने कुछ कहा, ना आपने दादा उग्रसेन के प्रति कुछ किया, परंतु तुम मुझे कह रहे हो मैं अपने टीचर्स को मारूं। और भीष्म पितामह जो हमारे पिता समान है, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, मैं उनको मार दूं, उनके साथ मैं ये करूं, ये कोई अच्छी बात है? तो
और अब इसी में अर्जुन और थोड़ा सिंपथेटिक होके कह रहे हैं, मतलब हीरोपंती में आके कह रहे हैं, अरे इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के रह लूं, पर है तो ये गुरुजन, चाहे कि कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी गलत क्यों ना कर रहे हो, है तो ये हमारे लिए आदरणीय है और ये हमारे गुरुजन है, और ये जो है हमारे बेवकूफ भाई है, इनको इस वजह से मैं मार दूं क्या? इससे अच्छा है मैं तो भीख मांग के गुजारा कर लूं, मुझे ये राजपाट जो है नहीं चाहिए। तो ऐसा जो है अर्जुन बोल रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे महापुरुषों को, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसे गुरु जो निम्न कर्म में रत हो और जो विशेष विकेश शून्य हो, त्यजते हैं, मतलब ये है कि जो अपने डिस्क्रिशन खो चुके हो, और जो ऐसे गंदे हरकतों में, मतलब जैसे दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, जो गैमलिंग मैच हुआ उसमें चीटिंग करी, उसमें चीटिंग कैसे करी, आपको ये पता है कि जो शकुनी जी के डाइसेस थे, जो शकुनी जी जिनसे गैमलिंग मैच खेला जा रहा था, वो टेंटेड थे। अब क्रिकेट में एक टेंटेड बॉल आती है तो भैया हल्ला मच जाता है, प्लेयर्स की रेपुटेशन पे आ जाती है, मीडिया में इतना खबर आता है। लेकिन वहां शकुनी जी के, देखिए ऐसा हुआ था, शकुनी जी के जो एंसेस्टर्स थे ना, नाउ वेयर गंधार इज बेसिकली अफगानिस्तान, तो उस समय देयर वाज ऑल ओवर इंडिया का होता था, और जो सबसे पावरफुल किंग होता था वही अपनी जो होता था फ्लैग रखता था, और उसके नीचे सारे किंग्स जो होते थे फॉलो करते थे, पर वो भी अपना किंगडम रूल करते थे, ताकि कोई भी किंग जो है एक धर्म, मतलब जो बहुत ही धार्मिक राजा होता था उसको प्राइम बना देते थे, और जो ये छोटे छोटे किंग्स होते थे अपने वहां पे, वो भी किंग ही रहते थे लेकिन उस धर्म राज्य के नीचे रहते थे, कि ताकि वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो अपनी प्रजा के जन हैं, उनके साथ कभी भी उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो एक मेन हेड जो वैसा चुना जाता था, और वो राजसूय यज्ञ से चुना जाता था, उनके ऊपर, मतलब जब वो राजसूय यज्ञ क्या करते थे कि मतलब ऐसा होता था कि एक अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, वो जैसे हमने रामचंद्र जी की भी स्टोरी में देखा था कि अश्व को छोड़ा जाता था, और जहां जहां वो अश्व जाता था वहां पे जो बेसिक होता था, वहां के अगर आप उस अश्व को नहीं पकड़ रहे तो आप उस राजा के डोमिनेंस को स्वीकार कर रहे हो, आपका भी जो किंगली थिंग है, जो आप किंग हैं, जो आपका ओपुलेंस है, वो आपसे छीना नहीं जाएगा, बट यू विल रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटी ओवर देयर। बस ये चीज होती थी, और टैक्सेस होते थे, और वो भी बिल्कुल जिसको कहते हैं धर्म के हिसाब से सटीक होते थे। तो ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ करते हुए जो सारी कंट्रीज थी वो एक किंग के अंडर होती थी। अब उस किंग के अंडर होने का क्या फायदा होता था कि उस किंग को भगवान के जैसा समझा जाता था, क्योंकि उनके ऊपर सारे देवी देवताओं का जो यज्ञ कर रहे थे वो सफल हो रहा है, और सारे देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स हैं, और उनके पीछे पूरे जो ब्राह्मण्स होते थे, जो हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास थी, वो बैठे हुए होते थे और वो गाइड करते थे बिल्कुल धर्मशास्त्र के हिसाब से। सो इट वाज नॉट लाइक कि डोमिनेशन, जैसे हिटलर वाली चीज नहीं थी कि नहीं माय वे और नो वे, एवरी डिसीजन वॉज मेड अकॉर्डिंग टू द धर्म, अकॉर्डिंग टू द प्रजा, क्योंकि वहां पे ये कंसेप्ट बहुत क्लियर था कि अगर कोई भी प्रजा सिन करती है तो उसका, क्योंकि प्रजा इज पेइंग टैक्सेस टू द किंग, अगर कोई भी प्रजा का जन, एक बंदा भी कोई सिन करता है तो उसका 1/6 जो पार्ट है उस सिन का राजा को लगता है, और राजा कोई भी पुण्य का काम करता था तो उसका 1/6 पार्ट जो है प्रजाजनों को उसका फल मिलता था। तो बीइंग अ किंग वाज अ थिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट कि आपका ओपुलेंस है या नॉट कि आपका रॉयल्टी है, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, नो, उस समय बीइंग अ किंग वाज लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो बनता था उसको बहुत सटीक तरीके से चुना जाता था, और उनको बचपन से ही वो सारी क्वालिटीज उनके अंदर इनकलकेट की जाती थी, ताकि वो एक अच्छे राजा, अच्छे वे में जो है प्रजा अधिकारी बने। तो तभी, और
बीइंग अंडर वन किंग वॉज लाइक कि जो सारे छोटे छोटे राजा थे वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते थे, तो ये सारी चीजें जो थी इसलिए वो राजसूय यज्ञ उस समय के लिए बहुत सटीक था। पर आजकल कलयुग में वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन ही नहीं हो सकते, क्योंकि वी डोंट हैव दैट ब्राह्मण क्लास, दोज इंटेलेक्चुअल पीपल जो इतने इंटेलिजेंट थे जो एक राजा को रूल करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे चाणक्य पंडित थे, चाणक्य पंडित ने कैसे एक डायनेस्टी को हटाया, क्योंकि वो गलत तरीके से रह रहे थे, गलत कर रहे थे, और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है एस्टैब्लिश किया, है ना, तो वो एंड ही मेड हिम रूल इन द राइट वे, है ना। सो उसी तरीके से जो अब हम देखते हैं कि ऐसे चीज पॉसिबल नहीं है, तो उस समय ये अलाउड था। सो व्हाट पॉइंट वी वर डिस्कसिंग हियर वाज कि जो गांधर्व राज्य था, जो कि उस समय का अफगानिस्तान जो एरिया था, वहां पे गंधर्व जो गांधारी वहीं से आई थी, तो उस समय एक वॉर हुआ था जब हस्तिनापुर के शासन ने राजसूय यज्ञ या सॉरी जो भी अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उन्होंने उनका डोमिनेंस स्वीकार करने को मना किया था। सो देर वॉज अ बिग फाइट एंड गांधार लॉस्ट, बहुत मतलब बिल्कुल राइटफुली इट वाज अ वॉर एंड वन कंट्री लॉस्ट, गंधर्व लॉस्ट, और वो हस्तिनापुर के अंडर आ गया था। बट द एंसेस्टर्स जो गए थे या जो फर्दर जनरेशन थी, उनको ये चीज स्वीकार्य ही नहीं थी कि ऐसा हो गया, एंड शकुनी वाज वन ऑफ देम। इट वाज नॉट इट इट डिड वेंट डाउन हिज थ्रोट वेरी नाइसली, ही कुड नॉट डाइजेस्ट इट कि नहीं हम लोग हार गए हस्तिनापुर वालों से, और उनको ये लगता था दे हैव बीन रॉन्गली वन ओवर। और तब क्या हुआ, शकुनी के जितने भी एंसेस्टर्स थे, शकुनी ने उनका आवाहन किया और वो आए, और उन्होंने कहा कि देखो हमारी बॉडी यहाँ दफन है, तुम हमारी हड्डियों से ना क्या है, तुम एक डाइस बना लो, ठीक है, और जब तुम्हें जो चीज कही होगी हम वही नंबर लाएंगे, बट यूज दिस डाइस कि जो हस्तिनापुर का जो है विनाश हो। तो शकुनी जो दुर्योधन को हेल्प कर रहा था, वो एक्चुअली दुर्योधन को हेल्प नहीं कर रहा था, वो दुर्योधन को यूज कर रहा था अपना रिवेंज वेंजेंस लेने के लिए, ताकि हस्तिनापुर का किंगडम जो है वो नीचे आए। तो जब हम चीज डिटेल में नहीं पढ़ते, तो हमें जो मूवीज में या टेलीविजन में दिखाया जाता है हम उसमें बिलीव कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र आर मोर डीप टू इट, दे हैव एवरीथिंग दैट हैपेंड, जो वेद व्यास जी ने इसको लिखा है वो सब बहुत सटीक है, और उससे हम हमेशा एक लर्निंग लेसन ले सकते हैं। पर क्योंकि हम डेप्थ स्टडी में नहीं जाते, हम गुरुओं के अंडर नहीं है, तो वी हैव दैट फैंसीज, ठीक है, तो इसलिए जो गैम्बलिंग मैच हुआ, एंड इफ यू आर अ साइलेंट स्पेक्टेटर टू इट, तो आप एक साइलेंस यस करो, कहते हैं ना चुप्पी का मतलब क्या है, हाँ ही है। तो जब वो गैम्बलिंग मैच हुआ, और युधिष्ठिर महाराज वाज लाइक दैट कि उन्होंने अपनी जो है दिखाई कुंडली एक एस्ट्रोलॉजर को, जब हस्तिनापुर डिवाइड हो गया था खांडर वन में, और हस्तिनापुर और दैट खांडर वन, युधिष्ठिर महाराज ने उसको अच्छा करके अर्जुन की हेल्प और भगवान श्री कृष्ण की हेल्प से, और माया दानव ने जब वो खांडर वन को जो बिल्कुल खंडर था उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया, और उस समय दुर्योधन वॉज वेरी एनवियस इंद्रप्रस्थ का ऑपुलेंस देखते हुए, और तब जब दुर्योधन चला गया तो युधिष्ठिर महाराज को थोड़ी सी बेचैनी हुई, उन्होंने जाके अपनी कुंडली एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाई, और उन्होंने कहा देखो तुम्हारी वजह से ना वॉर होगा इंद्रप्रस्थ में और हस्तिनापुर में। तो उन्होंने कहा नहीं मैं ये चाहता ही नहीं कि वॉर हो, तो उन्होंने कहा नहीं ये इनएविटेबल है, उन्होंने कहा इनएविटेबल मतलब नहीं मतलब ये रुक नहीं सकता, ये नैति है, ये होके ही रहेगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि वॉर तब होता है ना कि अगर वो मेरे से कुछ भी मांगे और मैं कहूँ नो मैं नहीं दे रहा, तो मैं अब हर चीज कह देना यस मैन बन जाऊंगा, जो वो कहेंगे मैं यस कर दूंगा। तो तभी युधिष्ठिर महाराज सेड यस टू द गैम्बलिंग मैच, युधिष्ठिर महाराज सेड यस टू द डाइसेस प्लेड बाय शकुनी, जो शकुनी जो अपने डाइसेस थे सबको पता था कि वो टेंटेड है, फिर भी वो खराब है, वो वही करेंगे, वो वैसे ही चलेंगे जैसे शकुनी बताएंगे उनको, उसके बावजूद भी युधिष्ठिर महाराज ने हाँ कहा, क्योंकि वो वॉर नहीं चाहते थे। तो उनका पीछे का इंटेंशन जो था वो था कि मैं एक वॉर को बचा लूं, लेकिन वो क्या हुआ, उल्टा कर गया, एंड द वॉर वॉज इनेविटेबल। तो हम ये देख रहे हैं, और उस गैम्बलिंग मैच के दौरान जब पांडवों ने सब कुछ लूज किया, इतना इनह्यूमन उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ, द्रौपदी हु इज द क्वीन
उनके साथ इतना बुरा हुआ, उनको स्ट्रिप करने का प्रयास किया, उनका चीर हरण करने का प्रयास किया, तो ये सारे लोग बैठे हुए थे। तब महाराज विदुर जो बैठे हुए थे, विदुर ने कहा महाराज धृतराष्ट्र को, जब वो मना नहीं कर रहे थे कि ये वो होने दो, वो कह रहे थे महाराज इसको रोको, ये अच्छा नहीं हो रहा। विदुर वॉज जस्ट स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस कि महाराज इसे रोकिए। और तब धृतराष्ट्र ऐसे ही बोल रहे थे, अरे ये दुर्योधन सुनता नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे कहने से क्या हो जाएगा, यही चला रहा है सब कुछ। मतलब ही वॉज द किंग, जब किंग के पास ये पावर नहीं है कि उसका खुद का बेटा सबके सामने इतनी गलत कर रहा है, तो ऐसा किंग होना, ऐसा किंगडम होना, तो प्रजा कितनी सेफ रहेगी वहां पे। तो तभी, क्योंकि ये धार्मिक नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने ये वॉर को होने दिया। लोग भगवान श्री कृष्ण पे उंगली उठाते हैं, अभी हम इस पार्ट को भी इसी श्लोक में डिस्कस करेंगे। सो तब विदुर ने उनको कहा महाराज धृतराष्ट्र को कि आप इस चीज को रोकिए, आप रोक सकते हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा नहीं, मेरा दुर्योधन सुनता नहीं है। तब महाराज विदुर ने कहा कि आप कितने भाग्यवान है महाराज कि आज आपका सौभाग्य है कि आप, आपकी आंखें नहीं है, आप देख नहीं सकते, क्योंकि यदि आप ये देख रहे होते तो उनका जो है दुर्भाग्य है, हम जैसों का दुर्भाग्य है कि मेरी आईज है, मैं ये सारी चीजें देख सकता हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है, तो मुझे ये चीजें नहीं देखनी। तो युधिष्ठिर महाराज ने ये सारी जब विदुर जी ने ये सारी चीजें बोली उसके बाद, और उन्होंने कहा क्योंकि मेरी आंखें हैं तो मैं इस राज्यसभा से बाहर चला जाता हूँ, इस राज्यसभा से बाहर चला जाता हूँ कि वो चीज ना हो। तो जब ये सारी चीजें हुई तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को यही याद दिला रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो, जो ऐसे ऐसे गुरुओं का क्या फायदा जिन्होंने उस चीज को रोकने में सहायता ही नहीं करी, इस चीज को करने में सहायता ही नहीं करी, तो ऐसे गुरु को त्याग देना अच्छा है रादर देन ऐसे गुरुओं के संगत में रहना। क्योंकि देखो अभी भी वो दुर्योधन की तरफ लड़ रहे हैं, धर्म अधर्म का कोई वो चीज नहीं है। पर अर्जुन जो है यहाँ पे एक बिल्कुल इमोशनल हीरो बन के कह रहे हैं नहीं, ऐसे लोगों को मैं कैसे मार दूं, इससे अच्छा तो मैं भिखारी बन जाऊं। अब इस पॉइंट पे क्या होता है, धृतराष्ट्र को लगना चाहता है कि ओ अर्जुन जो है लड़ेगा नहीं, अर्जुन अब जो है अपने सारे हथियार डाल देगा, अब अर्जुन जो है लड़ना नहीं चाहता और अब दुर्योधन जो है वॉर जीत जाएगा। और वहीं पे भगवान कृष्ण जो है अब यहीं से अर्जुन को जो है आगे सारी बात बताएंगे, सारा उपदेश जो है गीता यहीं से शुरू होती है। सो बेसिकली ये है, अब अर्जुन इतना ज्ञानी था भगवान के कृष्ण के मतलब एसोसिएशन में रहता था, और हम कहते हैं जैसी एसोसिएशन रखते हैं, जैसी कंपनी रखते हैं, वैसे हम हमारा नेचर बन जाता है। तो अर्जुन को ये बात नहीं समझ आई। बेसिकली अर्जुन के हृदय में भगवान ने ही ऐसा करने को कहा ताकि ये भागवत गीता बोली जा सके, वो हम जैसे लोगों को, अर्जुन को इसकी जरूरत नहीं है। अर्जुन उसी लेवल पे पहुंचा हुआ है जिस लेवल पे वो भगवान का सामिप्य निकटता इंजॉय कर सकता है, भगवान का फ्रेंड इन फ्रेंडशिप इंजॉय कर सकता है, तो उसका लेवल तो ऑलरेडी बहुत हाई है। तो ये भागवत गीता बोली गई है हम जैसों के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ में कितनी रोज, हर रोज एक कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा होता है, हमारे लाइफ में कितनी ऐसे संकट आ जाते हैं जब हमें समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है क्या नहीं करना, तब ये भागवत गीता हमें उसके उत्तर देती है कि अर्जुन ने भी वही सारी प्रॉब्लम सामने रखी है जो हम जैसे लोग फील करेंगे, और हमें वो सॉल्यूशन जो है भागवत गीता से ही मिलेगा। सो अब यहाँ पे इस श्लोक पे आके लोग भगवान कृष्ण के ऊपर उंगली उठाते हैं, अरे जब दुर्योधन, अरे देखो ना कितना अच्छा था अर्जुन, कितनी सिंपथाइज कर रहा है, सिंपथी इज गुड ना, वो कह रहा था मैं अपने भाइयों को नहीं मार रहा, वो तो बेचारा उस पे जा रहा था, ये कृष्ण ने जो है युद्ध कराया है, कृष्ण को ऐसे बोलना नहीं चाहिए। तो ये बुद्धि कैसे लोगों की है, ये धृतराष्ट्र बुद्धि है। धृतराष्ट्र जो कि दुर्योधन का गलत होते हुए देखते हुए भी बोलता रहा नहीं ये मेरा बेटा, ये मेरी
जानेगा नहीं। और यही धृतराष्ट्र जो है उसने भगवान श्री कृष्ण पे उंगली उठा दी कि इसकी वजह से युद्ध हुआ है, अर्जुन तो मना कर रहा था, देखो कितना अच्छा है अर्जुन, उसके गुड नेचर को इसने खराब कर दिया, उसको बिगाड़ दिया और इसलिए ये युद्ध हुआ और इसलिए भगवान कृष्ण के ऊपर उंगली उठाई गई। तो जो ऐसा करते हैं तो आप धृतराष्ट्र से कम नहीं है, आप आंखों से भी अंधे हैं और सोच से भी अंधे हैं। क्योंकि जिस राज्य में एक रानी का इतना बड़ा अपमान हो रहा है कि पूरी कुरु सभा में एक रानी के साथ ऐसा हो रहा है, तो उस राज्य की एक कॉमन नारी, एक नॉर्मल प्रजा में उठी हुई नारी कितनी सेफ रहेगी। जब राजा ही कुछ नहीं बोल पा रहा तो कल को तो दुर्योधन का और असर बढ़ जाएगा। जिस लेडी पे वो हाथ रखेगा वो उसको बुला के उसके साथ कुछ भी कर सकता है। जब रानी वहां पे सेफ नहीं है तो वहां कैसे होगा। और वहां पे बैठे हुए सारे धर्म, कृपाचार्य थे, भीष्म देव थे, द्रोणाचार्य थे, जब ब्राह्मण क्लास ही नहीं बोल रही, जो कि एक राजा को बनाने में और उसको हटाने में होते ही है। देखिए जो पहले टाइम में चढ़ते थे वर्ण और आश्रम, जिसको आज के टाइम के लोग कास्ट सिस्टम बोल देते हैं कि इंडिया इज सो बैकवर्ड, इंडिया के लोग कितने पुराने विचारधारा के, रूढ़वादी विचारधारा रखते हैं, क्योंकि एक कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे। अरे वो एक्चुअली एक कास्ट सिस्टम नहीं था, हमने उस चीज को अपने हिसाब से ऐसे तोड़ मोड़ के कर दिया कि वो दुनिया के सामने एक कास्ट सिस्टम हो गया। अगर आप कहो कि एक कंट्री को रन करने के लिए, इंग्लिश में कहें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, एक इंटेलेक्चुअल क्लास चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास चाहिए, ठीक है, एक मर्चेंटाइल क्लास चाहिए और एक वर्कर्स चाहिए, तो कौन कहेगा उसको गलत। ठीक है, आप कहोगे हाँ जी इंटेलेक्चुअल्स है हमारा, जितना भी साइंटिस्ट चाहिए, एडवांसमेंट चाहिए, एक टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये इंटेलेक्चुअल क्लास बनाएगी। फिर हाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास भी चाहिए, हाँ ऑफकोर्स कोई रूल्स बनाना है, कोई रेगुलेशंस बनाना है, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को होनी चाहिए, ऐसे थोड़ा ना कि सारी चीजें ऐसे ही चलती रहे। और थर्ड होता है कि हाँ बिजनेस कम्युनिटी भी होनी चाहिए कि भाई बिजनेस होगा, ट्रेड होना चाहिए, इंटर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीजें होनी चाहिए, और फोर्थ वर्कर्स भी होने चाहिए, वर्क करेंगे जो उनके अंडर, अगर वर्कर क्लास नहीं होगी तो सारा काम कैसे होगा। तो ये चार डिवीजन होते हैं। और वही चीज जो थी हमारे वर्ण और आश्रम में थी, वो वर्ण क्या थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रियास थे, फिर शुद्ध थर्ड वैश्यास थे और शूद्र थे। अब हिंदी में बोलो तो आपको लगता है कि भैया गाली दे दी, इंग्लिश में वही चीज बोलो तो आपको लगता है कि नहीं दिस इज समथिंग प्रोफेशनल, दिस इज समथिंग क्रीम, तो वही तो चीज है। ठीक है, इंग्लिश में जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो ब्राह्मण क्लास है, ब्राह्मण होते थे जो एक राजा को एडवाइस करते थे, उनका नॉलेज शास्त्रों का, नेचर का, एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोनॉमी का, हर प्रकार की साइंसेस का इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता था। वही जो थे पुरोहित थे, शास्त्री थे, ब्राह्मण थे, जो राजा को हर सही और गलत में गाइड करने में करते थे, उन्हीं के अनुसरण में रह के राज्य जो था राज्य करता था। और वही ब्राह्मण होते थे वो कहते थे नहीं अब तुमने राज्य कर लिया, अब तुम अपनी फर्दर जनरेशन को दो, और उन्हीं के थ्रू सारा वॉर कैसे करना है, क्या सही है क्या गलत है शास्त्रों के हिसाब से, तो बिल्कुल सटीक न्याय पूर्वक राजा हुआ करते थे। तो जो थे ब्राह्मण थे, इंटेलेक्चुअल क्लास थे, और जो राजा थे, जो रॉयल्टी आप कहते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास थी, वो देखते थे कहाँ से टैक्स आ रहा है, कहाँ सड़कें बनानी है, कहाँ कुएं खोदने हैं, कहीं मेरी प्रजा के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो वो क्लास जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास थी, जिसको आप क्षत्रिय कहते हो, जो हर वे में प्रोटेक्ट भी करते थे। फिर जो तीसरी क्लास थी वो थी मर्चेंटाइल क्लास, जिनको हम वैश्यस कहते हैं, जो बिजनेस का देखते थे कि कहाँ से कपड़ा लाना है, कहाँ देना है, कैसे इकोनॉमी चलेगी, कैसे हमें व्यापार करना है। तो ये व्यापारी क्लास जो मर्चेंटाइल क्लास थी वो वैश्यस थे, और शूद्र कौन थे, देवर वर्कर्स, और शूद्र जो थे वो वर्कर क्लास थी, जो ये सारा काम करते थे, जो प्रोफेशनल्स हो गए, जो आज के लैंग्वेज में हम प्रोफेशनल्स भी कह सकते हैं कि एक मेन कंपनी का हेड है और उसके नीचे प्रोफेशनल्स हैं। जब आपको प्रोफेशनल्स बोला जाए तो आप उसमें बहुत ज्यादा
कॉलर ऊपर करके आप यू फील गुड एंड व्हेन यू आर कॉल्ड शूद्रास बेसिकली यू वर्किंग अंडर समवन, आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो आप एक बेसिकली वर्कर हैं चाहे आपकी कोई भी डिग्री क्यों ना. सो दीज वर द फोर थिंग्स और वही क्लास थी और उसी को आज हम क्लास सिस्टम बोल देते हैं. अब ऐसा नहीं था कि जो ब्राह्मण के घर पैदा होगा वो ब्राह्मण बनेगा, जो क्षत्रिय के घर पैदा होगा हर राजा अपने ही पुत्र को नहीं बनाता था राजा, ऐसा नहीं था. इट वॉज नॉट समथिंग बाय बर्थ, जन्म से ये सारी चीजें सिद्ध नहीं होती थी. तो पहले जमाने में क्या होता था, आपका नेचर देखा जाता था कि आपका बेसिक नेचर किसकी तरफ है, किस चीज के तरफ आप ज्यादा आपका झुकाव है. तो आप ये देखेंगे कि आज के टाइम में भी जब छोटा बच्चा पैदा होता है, पहले टाइम में ये रीत चलती थी कि छोटा बच्चा पैदा होता था उसके सामने चार पांच चीजें रख दी जाती थी, एक खिलौना रख दिया जाता था, भागवत गीता या बुक्स ऐसे रख दी जाती थी, या कुछ पैसे रख दिए जाते थे और कुछ ऐसे दिया जाता था. और बच्चे को, छोटे बच्चे को जो अभी बोल भी नहीं सकता उसको छोड़ देते थे और वो जिस तरफ उसका हाथ जाता था तो उसके नेचर के बारे में पता चलता था. कहीं जाके भागवत गीता को पकड़ लेते थे तो उनको लगता था कि ये जो है ये ब्राह्मण बनेगा, ये आके जाके जो है ब्राह्मण ग्रुप में जाएगा, ठीक है. और जो अगर कोई तलवार रखी होती थी उसको पकड़ लेता था तो लगता था हाँ ये क्षत्रिय बनेगा, ये फाइटिंग के लिए बना है. और अगर कोई जाके पैसे पकड़ लेता था तो ऐसा लगता था मर्चेंटाइल क्लास है. और उसी प्रकार यदि कोई कोई और चीज रखी होती थी तो ऐसे जो था नेचर पता चलता था. और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता था तो वो कल्टिवेशन था, राइट फॉर नॉलेज सबके पास था, ब्राह्मण्स के पास भी था, क्षत्रियस के पास भी था, मर्चेंटाइल क्लास के पास भी था और शूद्रास के पास भी था. अगर शूद्र का भी कोई पुत्र अगर बहुत इंटेलिजेंट है, उसका एजुकेशन सिस्टम इतना था कि उसका नहीं मन कर रहा था कि वो कारपेंट्री करे या पॉट्स बनाए या कुछ भी ऐसा बनाए, तो उसका ये रहता था कि नहीं अगर वो इंटेलिजेंट है तो उसको ब्राह्मण लोग पढ़ाते थे और उसको आगे उसको उस चीज को कल्टीवेट किया जाता था. तो इट वॉज अकॉर्डिंग टू योर नेचर, इट वॉज नॉट बाय बर्थ, ठीक है. तो और ये सिस्टम जैसे जैसे कलयुग आया ये सिस्टम इतना ज्यादा कंटामिनेटेड हो गया, एडल्ट्रस हो गया, इसमें इतनी मिलावट हो गई कि ये सारी चीजें बाय बर्थ स्टैम्प हो गई, तब ये कास्ट सिस्टम हो गया और तभी से डाउनफॉल आया हमारी जो था. नहीं तो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन, हमारा वैदिक प्रोग्राम इतना सटीक था कि हर चीज को जो था, हर वर्ण को जो था, इट वॉज नॉट कास्ट सिस्टम, वो किसी कास्ट के हिसाब से नहीं था, वो बेसिक नेचर के हिसाब से था. तो इसी में भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को ये कह रहे हैं कि देखो, मतलब अर्जुन कह रहा है कि मैं क्या कहूँ, मैं हूं तो क्षत्रिय. अब आपको शूद्र सब एक पॉइंट और क्लियर करके वी विल कम टू दिस थिंग, ठीक है. अगर हम कहते शूद्र है तो शूद्रस को वर्कर्स कहा जाता था, पर उस समय वर्कर्स वर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एक पूरी सोसाइटी के. जो शूद्रस होते थे भगवान के चरणों से आते हैं और भगवान के चरण क्या इंपॉर्टेंट नहीं थे. जो डिवीजन दिया गया था विष्णु पुराण में ऐसा बोला गया कि जो शूद्र है वो भगवान के चरणों से आए हैं और जो क्या कहते हैं ये मर्चेंटाइल क्लास है, वैश्य है, वो भगवान के एब्डोमन से आए हैं और जो अपने क्षत्रिय क्लास है वो भगवान की छाती और आम से आए और जो ब्राह्मण क्लास है वो भगवान के हेड से आए हैं, उनके ब्रेन से आए हैं. तो क्या एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आपका, अगर आपको नहीं नहीं ये पैर तो छोटे हैं, गंदे हो जाते हैं, देखो कहाँ पड़ जाते हैं, कभी हम सड़क पे चल रहे हैं कभी गोबर में पड़ जाते हैं कभी कीचड़ में पड़ जाते हैं, इनको काट दो हटा दो, क्या ऐसा होता है? क्या हम अपने पैरों को काट देते हैं? क्या हमारे पैर इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या पैरों में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, अरे ये तो पैर का दर्द है ना, अरे घुटने का है ना, अरे वहां पे फ्रैक्चर हो गया, नहीं नहीं ये तो पैर है, ये तो तुच्छ है, इनके इनका ट्रीटमेंट नहीं लेना, अरे ऐसा होता है क्या? तो शूद्रस जो भगवान के पैरों से आए थे, क्योंकि भगवान की होल बॉडी इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार शूद्रस वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी. तो वो लोग जो थे वो क्रिएटिव लोग थे, वो कारपेंट्री करते थे, वो पॉट्स बनाते थे, वो महल क्रिएट कर सकते थे, तो उसमें भी आर्किटेक्ट्स थे और वो इतना अच्छा डिजाइनिंग करते थे क्योंकि उनका नेचर जो था
आर्ट की तरफ था, उनका नेचर जो था क्रिएटिविटी की तरफ था, तो वो उस क्लास में चले गए। और अब दूसरा जो एडवांटेज था शूद्रस का, अगर वो किसी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, जैसे किसी किंग के अंडर काम करते हैं या किसी भी ऐसी अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हैं जो बिल्कुल सटीक है, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं अपने राज्य के नियमों का पालन करता है, धर्म निरपेक्ष होके और धर्म के हिसाब से चलता है, जो भी ब्राह्मण क्लास बोलती है, तो जो भी शूद्र जो भी वो पुण्य का काम करते थे, तो उनके नीचे वर्क करने वाले वर्कर्स को 1/6 उनके पुण्य का फायदा मिलता था, वो उस पुण्य को ले सकते थे। तो शूद्रस का ये था, दे वर नॉट टेकन एज की बड़े ही ये खराब लोग हैं, या उनको एक उस नजरिए से नहीं देखा जाता था कि अनटचेबल्स हैं या कुछ है, उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था, उनको उस वे में किया जाता था कि हाँ दीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी। तो भगवान जो हमारा वैदिक सिस्टम था वो इस चीज पे होता था, पर आज वो चीज बहुत करप्ट हो चुकी है, इसलिए हम इस पे संशय करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया रूढ़वादी है, जबकि हमारा वैदिक सिस्टम बहुत सटीक था। तो नेचर के अगेंस्ट अगर कोई भी जाएगा तो उसको जो है प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन कह रहा है ना, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना भीख मांगूंगा। अरे भाई, तुम यू आर बॉर्न टू बी अ क्षत्रिय, तुम जब बॉर्न हुए और तुमने इतने सारे पशुपति अस्त्र शिवजी से ले लिया, इंद्र जी से जाके आपने इतने सारे वेपन्स ले लिए स्वर्ग जाके, और आपने गए जिसको कहते हैं आपको अग्निदेव से आपको रथ मिला हुआ है, आपकी वो क्वालिटीज ही ऐसे हैं, आप बचपन से फाइटिंग में गए हो, आपने गुरु द्रोणाचार्य के अंडर इतनी सारी विद्याएं फाइटिंग की विद्या करी है और वो अब आपकी नस नस में बस गई है, तो आप जो है ये काम छोड़ ही नहीं सकते, आपकी ये हैबिट बन चुकी है, ये सेकेंड हैबिट है, हाउ विल यू चेंज इट, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर नेचर, तो आप अपना क्षत्रिय का नेचर बन के सन्यासी कैसे बन जाओगे, आपका नेचर क्या है, अभी अभी आपका नेचर है फाइट करने का, आप सब छोड़ दोगे, और अगर आप ऐसे छोड़ भी देते हो तो एक तो इतनी बदनामी हो जाएगी, और ये जो शत्रु हैं वो आप पे हंसेंगे, चलो उसको भी साइड कर दें और आप सन्यासी बन के भिक्षा मांग के जो है अपना पालन पोषण करोगे भी, तो लोगों की नजरें लगेंगी, अरे ये तो अर्जुन था देखो कैसा है, और हर चीज सुन सुन के आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो जब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, गुस्से में होएगा, क्योंकि वो उसका बेसिक नेचर ही नहीं है, वो उसका कार्य करने का यू नो उसका नेचर ही नहीं है, तो वो कैसे कर पाएगा, और उसी फ्रस्ट्रेशन में डिसीज हो जाएगा और मर जाओगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो आपका बेसिक नेचर, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब अगर हम इस चीज को इस वे में सोचे, आजकल कितना हो रहा है कि कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनको वो चीज नहीं करनी होती और उनके ऊपर पीयर प्रेशर होता है, पेरेंटल प्रेशर होता है, कितनी सारी साइट्स खुलते हैं, कितनी सारा काउंसलिंग किया जाता है कि आपका जो बेसिक नेचर जो है, अगर आपके बच्चे का एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, ये एप्टीट्यूड एटीट्यूड टेस्ट होते हैं, अगर उनका झुकाव आर्ट की तरफ है, क्रिएटिविटी की तरफ है, तो उनको जो है साइंटिफिक फील्ड में मत डालिए, उनको इंजीनियर साइंस मत दिलाइए 10वीं के बाद, उनको क्या है आर्ट्स दिलवा दीजिए। और अगर किसी का कैलकुलेशन में है वो कॉमर्स ले सकता है, और जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल साइंटिफिक है वो साइंस ले, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। लेकिन पहले अभी थोड़े टाइम से ऐसा होता था कि बच्चे जो होते थे उनका नेचर नहीं है पढ़ने का, पर पेरेंट्स क्योंकि दोनों डॉक्टर हैं तो बच्चा भी जो होगा डॉक्टर ही होगा, बस एक ऐसा वर्डिक्ट आ जाता था। तो कई बार बच्चे क्या होते थे, वो प्रेशर में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके, या तो उनको डिसीज हो जाता है, आप देखिए कितने सारे बच्चे हमारे पास आते हैं एग्जाम्स आने से पहले उनको नर्वस ब्रेकडाउन होता है, कईयों का बीपी बढ़ जाता है, कईयों का हार्ट कांपना शुरू हो जाता है, कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि वो चीज आप इंजॉय नहीं कर रहे, वो आपका नेचर नहीं है, वो आप पे थोपी गई है, और जो चीज थोपी जाएगी तो उससे क्या होगा, अंदर हलचल होएगी होएगी। अगर आपका बेसिक नेचर नहीं है 20 किलो का भार उठाने का, आप सिर्फ 5 किलो का उठा सकते हो, और अगर आप पे 20 किलो डाला जाएगा तो आपकी कमर झुकेगी ना, आप नहीं उठा सकते, इट इज नॉट लॉजिकल। तो भगवान कृष्ण भी तो यही बात कह रहे हैं, आप उन पे कैसे उंगली उठा सकते हो। आजकल कितना इन सारी चीजों पे होता है, काउंसलिंग हो जाती है, नहीं आप अपने बच्चे के नेचर के हिसाब से चलिए, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना ही सक्सेस होता है, उसका जो नेचर है, अगर वो एक अच्छी ड्रॉइंग कर सकता है, अगर उसके आर्किटेक्ट बनना है, उसे
एनिमेशन की फील्ड में जाना है उसको, उसमें जाने दीजिए, तो कितनी सारी फील्ड्स खुल गई हैं। और ये तो छोड़िए, आजकल हम उस चीज को भी एक्सेप्टेंस देते हैं कि नहीं, अगर आपका बेसिक नेचर जो है, अगर आपकी बॉय बॉडी मिली है और उसके बाद भी अंदर आपका गर्लिश फीलिंग्स हैं और गर्लिश नेचर है और सारी चीजें वैसी है, तो यू कैन गो फॉर अ जेंडर चेंज ऑल्सो, है ना। आप ऑपरेशन करा लीजिए, आपको भगवान ने बॉय बनाया और आपको बॉय नहीं बनना, आपको गर्ल बनना है, तो आप जाइए, आप जेंडर चेंज करा लीजिए। आप उस चीज के लिए भी एक्सेप्टेंस दे दी जा सकती है। और अगर आपको शादी के बंधन में नहीं बनना तो आप लिव इन में भी रह लीजिए, उस चीज के लिए भी एक्सेप्टेंस दे दी कि भैया नेचर के हिसाब से। एंड व्हाट रीजंस आर गिवन इज दैट कि भैया बेसिक नेचर इसका ऐसा है ना, हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब उस चीज के लिए एक्सेप्टेंस आप दे सकते हैं, तो यहाँ भगवान कृष्ण के ऊपर जब भगवान कह रहे हैं अर्जुन भाई तुम्हारा नेचर नहीं है ये, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम बनने को, अब हम डॉक्टर हैं, अरे तुम डॉक्टर हो, अब हमें बिठा दिया जाए बैंक में या फिर किसी ऐसी फील्ड में भी टैक्स का कैलकुलेट करो या कोई भी ऐसे फाइनेंशियल फील्ड में, हम तो ब्लंडर पे ब्लंडर कर देंगे, ब्लंडर करके बिजनेस ही नीचे आ जाएगा। भैया हम है तो डॉक्टर, अरे डॉक्टर हो तो इलाज करवाओ ना, डॉक्टरी करवाओ, अरे हमसे ये मुंशीगिरी कैसे करवा लोगे, हम कर ही नहीं सकते, हमने कॉमर्स पढ़ी नहीं, तो फिर कैसे हो पाएगा। तो अगर आपके बेसिक में नहीं, नहीं पीयर प्रेशर है जी ये है, तो नहीं कर पाओगे भाई, आप नहीं कर पाओगे, ब्लंडर कर दोगे, खराब हो जाएगा। तो वही भगवान कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जेंडर चेंजेस है, दैट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे कि क्या चीजें हैं, क्या हो सकता है, और लिव इन के बारे में। पर आई एम जस्ट हेयर रिफ्लेक्टिंग द हिपोक्रेसी ऑफ द सोसाइटी। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे उसको एक्सेप्टेंस दी जाती है, पर यहाँ पे जो नेचर के बारे में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उस पर उंगली उठा रहे, सो इजंट दैट बीइंग हिपोक्रेट, आप हिपोक्रेसी नहीं दिखा रहे। तो जो भगवान की टीचिंग्स है, वैदिक टीचिंग्स है, वो बहुत ही सटीक तरीके से चलती है। सो यहाँ भी भगवान कह रहे हैं अर्जुन भाई तुम कैसे कर लोगे, तुमने तो तलवार उठानी सीखी है, तुम कैसे कटोरा उठा लोगे, और जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। अगेन ये भी जो थे ये आश्रम थे, कि पहले ब्रह्मचार्य आश्रम होता था, उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता था, उसके बाद वानप्रस्थ था, और उसके बाद संन्यास था, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल अभी आपका जो है गृहस्थ आश्रम पूर्ण नहीं हुआ, आप कैसे यू नो यू कैन जस्ट गो और सीधा संन्यास ले लोगे, या तो ब्रह्मचार्य के बाद ले लेते। अब तुमने ये सारी चीजें कल्टीवेट कर दी, उसका भी समय आएगा। तो वो जो ब्राह्मण्स होते थे वो आके आपको सटीक तरीके से समझाते थे कि क्या करना है, कैसे होना, तभी वो ब्रेनी क्लास जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, गुरु साधु शास्त्र जो था डायरेक्ट करता था, तभी राजा जो था बिल्कुल धर्म के हिसाब से चलता था, तभी एक फ्लैग के अंडर एक ब्रदरहुड का फीलिंग रहता था, ठीक है। एक एक फादर, एक अगर कॉमन फादर होंगे तभी ब्रदरहुड का फीलिंग रहेगा। तो वो एक कॉमन फ्लैग के अंडर जब सारे किंग्स होते थे, और क्योंकि सारी चीजें धर्म के हिसाब से चलती थी, तो बिल्कुल वो सटीक रहता था। सो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ संन्यास लेने का, अभी तुम्हें क्या है फाइट करना है, क्योंकि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अभी तुम पहले अपना ये कर्तव्य निभा लो, नहीं वहां जाओगे तो डिसीज हो जाओगे। हम भी यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हल्की सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए नेचर के अगेंस्ट ही, अगेन ये नेचर इट्स नॉट एन एक्सेप्टेंस कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा तो आपको नहीं, उसका मन नहीं है, नहीं। तभी तो गुरु साधु शास्त्र थे, तभी तो इंटेलेक्चुअल क्लासेस थी जो गाइड करते थे, और आज भी हमें अपने बच्चों को उस वे में करना है, हमें उनको भागवत गीता का ज्ञान देना बहुत जरूरी है, ताकि उनको भी पता चले कि क्या फाइट्स आती हैं लाइफ में, कैसे उनको काउंटर कर सकते हैं, और क्या सही रास्ता है, कैसे अपने ये मेरा नेचर नहीं है, मेरे को अपना एक्चुअल नेचर आज हमें पता नहीं है। हम इतना ज्यादा मीडिया से, एडवर्टाइजमेंट से, इतनी सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमें लगता है नहीं हमारा बेसिक नेचर ही है। अरे बाबा नहीं, ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको अपने अंदर जाके छानना पड़ता है। और वो कैसे करोगे, वो छन्नी किसकी लगेगी, वो गुरु साधु और शास्त्र की लगती है। एंड तब जो चीज निखर के आती है, देन डायमंड्स कम, तब हीरे बन के आते हो और हीरो बन के रूल करते हो।
हमारे को अपने नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना, नेचर के अगेंस्ट जब आप एनवायरमेंटल नेचर के अगेंस्ट जाते हो तो 2 साल हैव बीन आउट ऑफ द कैलेंडर, 2020 और 21 कोरोना ने ले लिया और पता नहीं आगे कितने साल ऐसे हो सकते हैं। जब हम एनवायरमेंट के अगेंस्ट जाते हैं तो ऐसा होता है, और जब हम बेसिक अपने बेसिक नेचर क्योंकि गुरु साधु शास्त्र के गाइडेंस के अंदर हमें पता चलता है, जब हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो तब क्या होता है, तब डिसीज आता है। और यही चीज भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और यदि आप इस चीज को नहीं समझते तो आपकी बुद्धि क्या है, धृतराष्ट्र बुद्धि है, मतलब आप आंखों से भी अंधे हो और दिमाग से भी अंधे हो। क्योंकि धृतराष्ट्र जो था अपने बेटे की करतूतों को कह रहे हो, हाँ हाँ मैं कह नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई फिर तुम किस बात के राजा? और अगर तुम प्रजा क्या होती है, राजा के पुत्र और पुत्री ही समान होती है, तो यदि तुम उस अपने एक बेटे को नहीं कर पा रहे तो प्रजा भी रिवोल्ट कर देगी। और जब तुम सही गलत नहीं कर पा रहे, और यहीं पे धृतराष्ट्र जो है भगवान कृष्ण पे भी उंगली उठा देते हैं, अरे अर्जुन तो छोड़ रहा था ना, अगर नहीं करता तो मेरा बेटा जीत जाता। और इसी का बदला जो था धृतराष्ट्र ने बाद में युद्ध जब ओवर हो गया था तो भीम को आलिंगन करते हुए भीम को मारने का भी प्रयास किया था, क्योंकि धृतराष्ट्र के अंदर भी बहुत बल था। तो वो कहानी हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टेक होम मैसेज है, डोंट गो अगेंस्ट योर नेचर एंड डोंट बी फॉल्सली थिंकिंग व्हाट योर नेचर इज, गेट इट फर्स्ट रेक्टिफाइड कि हाँ एक्चुअली आप हो क्या, आप क्या कर सकते हो। और आप द बेस्ट इंडिविजुअलिटी जो है इसमें प्रमोट करते हैं भगवान कृष्ण, कि तुम में भगवान का एक अंश हो, तुम भगवान का, तो भगवान की एक पावर तुम में है और उस पावर को तुम कैसे अच्छे से यूज कर सकते हो। कि सब बंदे यूनिक है, सब बंदे एक इंडिविजुअल है। अगर कोई अच्छे से कढ़ाई बुनाई कर सकता है तो सारे नहीं कर सकते। अब मेरी नानी जो है अच्छे से कपड़े बना सकती है, स्वेटर बना सकती है, बुनाई कर सकती है, इस एज में 80 साल की उम्र में भी ये कर सकती है, पर मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो इतना उन्होंने सीखा है और वो उनका हुनर है और वो कर सकती है, हम नहीं कर सकते। अगर मेरे पे वो करा जाए तो मैं स्वेटर की जगह जुराब बना दूंगी या कुछ खराब हो जाएगा। तो सबका एक नेचर है, उसको पहचानना होता है। और जब आप में जो भगवान ने वो पावर दी है उसको आप अच्छे से यूज करते हो तो आप अपना ये लोक भी अच्छे से संवार लेते हो और परलोक भी संवार लेते हो और आप लंबी रेस के घोड़े बनते हो। ये लोक कैसे सुधर जाएगा कि आपको डिसीज नहीं होगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपको बीमारियां नहीं होंगी, आप अच्छे से रह पाओगे। और परलोक कैसे सुधार लोगे कि आप कोई ऐसा गलत काम ही नहीं करोगे कि आप कर्म बंधन में पहुंचो और यमराज जी आ जाए आपका हिसाब किताब देखने। तो इस चीज के लिए गाइड करती है भागवत गीता। और कल जो मोक्षदा एकादशी गई है 14 दिसंबर की, वो एकादशी जो थी वो भागवत गीता जयंती थी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ये भागवत गीता का उपदेश जो था अर्जुन को दिया था। तो कल वो दिन था जिस दिन ये चीज हुई थी। तो हमें प्रण लेना चाहिए कि ये मोक्षदा एकादशी जो गई है और आज जो द्वादशी है उसकी, हमें ये प्रण लेना चाहिए कि जो भागवत गीता के जो हमारे पास जितने भी भगवान ने अर्जुन के थ्रू हमें जो अक्ल देनी चाहिए कि हम जो बेवकूफियां करेंगे जो अर्जुन नहीं कर रहे थे, बेसिकली उन्होंने इनैक्ट किया ताकि हम जैसों को अक्ल मिले। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर सास अपनी बेटी को डांट रही होती है तो बहू थोड़ी हो जाती है कि नहीं, मेरी सास अगर अपनी लड़की को इस चीज के लिए डांट रही है तो मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली भगवान कृष्ण जो है अपने बेटे को डांट रहे हैं और हम जो है हमें वो अक्ल ले लेनी चाहिए कि नहीं, हमें भी ऐसी चीज नहीं करनी। तो हम जब इस चीज को सुधारेंगे, अपने 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 जीवन में भागवत गीता की जो भी उपदेश है उनका पालन करेंगे तो हम अपना ये लोक भी अच्छे से सुधारेंगे, डिसीज फ्री रह के, बीमारी मुक्त रह के, और हम अपना परलोक भी सुधार लेंगे। सो इसी के साथ जो है आज का लेक्चर समाप्त होता है कि अपना नेचर पहचानिए और उसके हिसाब से वर्क कीजिए। और हम ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं, 3 times हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। सब अपने हाथ उठा लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्ण एवरीवन। और अब हम अगली बार फिर वेडनेसडे क्लास में मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक हरि बोल।